A very kind request to you, please subscribe the channel and hit the bell icon for further updates. सो नमस्कार दोस्तों, साइंस के लिए जो क्लास टेंथ के बच्चे स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए धमाकेदार वीडियो लेके आया हूँ आपके पास। ये लास्ट के दो दिन में जम के ये पढ़ाई करने के लिए बेस्ट टॉपिक जो है सबसे सिलेक्टेड है, वो अगर आप करके जाते हो तो 100% आपको रिजल्ट आएगा, इसका गारंटी है। और स्टूडेंट जिन्होंने ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रखा है वो इस टॉपिक को अगर एक बार रिवाइज करके जाए तो 100% वो रिजल्ट लेके आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियोज़ को। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं चैप्टर वाइज, जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पर केमिकल रिएक्शन इक्वेशन लिखा है, उसमें दो टॉपिक आपको करके जाना है। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है केमिकल इक्वेशंस लिखना है, राइटिंग एंड बैलेंसिंग दोनों ही आपको ये रट के जाना है। एक राइटिंग कैसे करना है उसका बैलेंसिंग भूलिएगा, डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस को पढ़ के जाइए इस चैप्टर से। दूसरा अगर बात करेंगे एसिड बेस साल से, तो इसमें तीन टॉपिक मैंने बताया आपको, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस रखते जाइए, रिएक्शन ऑफ ऑक्साइड विथ एसिड एंड बेस दोनों के साथ आपको देख के जाना है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट्स आपको 100% श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आने वाला है गाइज, डोंट मिस इट, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है मेटल एंड नॉन मेटल, तीन टॉपिक जो उसके सबसे इंपॉर्टेंट, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, स्पेशल जो भी है रेफरेंस टू रिएक्शन विथ एयर एंड वाटर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है गाइज, ये रट के जाओ मेटल्स के, ठीक है। और प्रॉपर्टीज आपको रट के जाना है आयनिक कंपाउंड के। नेक्स्ट एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल बेस्ड ऑन द एक्टिविटी सीरीज, तो ये कर लेना गाइज, नहीं तो फिर पछताओ, कुछ भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर वेरी टफ और आप लोग को जो डिफिकल्ट जा सकता है वो कार्बोनेट्स कंपाउंड का है, उसमें आपको पढ़ के जाना डिफरेंट एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, ठीक है। ओनली ऐसे क्वेश्चंस पढ़ के जाइए उतना ही मोर देन अनफ रहेगा। नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लीज़ पढ़ के जाओ, आई नो थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन रट के जाओ, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट एडिशन रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रट लीजिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। एडिशन होता है हाइड्रोजन का, सब्स्टिट्यूशन में हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है, बस इतना ही तो रटना है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल एंड इथेनोइक, सिर्फ प्रॉपर्टीज रट के जाइए, थ्योरेटिकल है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट। उसके बाद अगर बात करें पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में, सो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में आपको दो पढ़ के जाने हैं, वो है मेंडेलिक पीरियोडिक टेबल और प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये दो करके गए मोर देन एनफ हो जाएगा आपके लिए गाइज। नेक्स्ट चलिए देख लेते हैं अभी नेक्स्ट। सो नेक्स्ट हम जा रहे हैं लाइफ प्रोसेस में, लाइफ प्रोसेस में पांच इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लेके चल रहे हैं। पहला है मोड ऑफ न्यूट्रिशन विथ स्पेशल रेफरेंस टू ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, आपको ज़्यादा देखना है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम देखना है वीडियो में, ऑलरेडी इसके पहले वाले वीडियो में हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव का पूरा पिक्चर डायग्राम बनाया, वो भी जाके आप देख लो, काफ़ी हेल्पफुल होगा। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम उसका भी बनाया है, ये दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, ये सब प्लीज़ करके जाइए और 100% रिजल्ट लेके आइए। सो गाइस जितने भी आपके पास टाइम बचा हुआ है उसमें यही सब टॉपिक फोकस करो, 100% रिजल्ट आएगा, गारंटीड रिजल्ट आएगा, कोई नहीं रोक सकता है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, रिफ्लेक्ट एक्शन देखना आपको, फंक्शन ऑफ ह्यूमन ब्रेन देखना है, हार्मोन्स इन एनिमल्स देखना है, ठीक है। नेक्स्ट ले लेते हो हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, इसमें देखना डिफरेंस बिटवीन वेरियस मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, डबल फर्टिलाइजेशन, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फर्टिलाइजेशन इन फीमेल्स, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है हर्डिटिव इवोल्यूशन, उसमें आपको देखना है मेंडेल लॉ, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे, फिर देखना है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एब्सॉर्बमेंट, होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन्स एंड इवोल्यूशन ऑफ वाइल्ड कैबेज, सो इतना चीज देख लो और आपका काम बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं लाइट एंड रिफ्लेक्शन से, लाइट एंड रिफ्लेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, अगेन काफ़ी मार्क्स आएंगे इससे गाइज। इमेज फॉर्मेशन देखना है आपको, स्फेरिकल मिरर ड्यू टू रिफ्लेक्शन, इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू स्फेरिकल लेंस देख के जाना है आपको। नेक्स्ट देखना है साइन कन्वेंशन, वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर एंड रिफ्लेक्शन ऑफ स्फेरिकल लेंस, प्लीज देख के जाइए अच्छे से। मिरर एंड लेंस फॉर्मूला अलॉन्ग विद मैग्निफिकेशन ऑफ बोथ द केसेस प्लीज पढ़ के जाओ, ठीक है। नेक्स्ट ले लेते चैप्टर ह्यूमन आई का एंड द कलर वर्ल्ड, उसमें आपको पढ़ के जाना है द पार्ट एंड वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई डायग्राम, ऑलरेडी हमने इसके प्रीवियस वाले वीडियो में बनाया है, देख लेना। पावर ऑफ एक्मोडेशन देख के जाइए, इसका भी वीडियो बनाया है। डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आई, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, व्हाइट लाइट पासिंग थ्रू द ट्रायंगुलर प्रिज्म, एटमोस्फेरिक रिफ्लेक्शन, ये सब पे टिंडल इफेक्ट्स को तो पढ़ के जाना ही है। और इससे रिलेटेड अगर और नॉलेज चाहिए तो एक और वीडियो हमने अपने चैनल पे बनाया है, वो आप देख लो, ठीक है, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, ओम्स लॉ बेसिक है, वी इक्वल टू आई आर, वो देख लो, थोड़ा थ्योरी लिख लोगे खुद से ही। रेजिस्टेंस फैक्टर्स इन विच डिपेंड्स रेजिस्टिविटी, फॉर्मूला रट लो खुद से लिख लोगे, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी एल बाई ए, लेंथ पे, एरिया पे, कैसे कैसे डिपेंड करता है वो आपको अच्छे से लिखना है वहाँ पे। इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज पैरेलल लिखना पड़ेगा। जूल्स लॉ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट,
मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स में आपको दिख के जाना, मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू वेरियस करंट कैरिंग कंडक्टर, राइट थंब रूल अच्छे से रट लो, वेरी इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, सोर्स ऑफ एनर्जी ले लेते हैं नेक्स्ट चैप्टर। सोर्स ऑफ एनर्जी से बस एक ही टॉपिक मैंने बोला है, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी रट के जाइए, आवर इन्वायरमेंट से दो टॉपिक रट लीजिए, सिग्निफिकेंस ऑफ फूड चेन और फूड ऑफ एनर्जी फ्लो रट के जाइए। नेक्स्ट हम लोग ले लेते हैं मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, उसमें आपको रटना 3R टू सेव द एनवायरमेंट, डिफरेंट स्टेक होल्डर, मेथड ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग। चलिए अब चलते हैं हम एक लास्ट, अब मैंने यहाँ पे बनाया था एक टेबल, ये टेबल आपको हेल्पफुल हो सकता है। टिपोलॉजी में रिमेम्बरिंग टाइप के प्रॉब्लम, रटने वाले प्रॉब्लम जो है वो आपको आएंगे 15% वेटेज है टोटल 10 मार्क्स का, अंडरस्टैंडिंग वाले 24 मार्क्स के 35%, एप्लीकेशन बेस्ड आएंगे 26% 18 मार्क्स के, हॉट्स 8 मार्क्स 12%। सो इस वजह से पूरा इवैल्यूएट करके देखे तो आपको इस तरह से आएगा गाइज। सो गाइज इतने ही आप अच्छे से कर करके चले जाओ तो उम्मीद है कि आपको अच्छा मार्क्स आएगा, 100% रिजल्ट आएगा। माई बेस्ट विशेज विथ यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।